की मिमिक्री से लेकर उन्हें चुनौती देने तक, कभी प्रधानमंत्री के कार्यों की मजाकिया लहजे में आलोचना करने से लेकर अब उन्हें चुनावी राजनीति में टक्कर देने का प्रण लेकर कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी के चुनावी मैदान में कदम रख चुके हैं। इसे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहेंगे, जो श्याम रंगीला जैसे मशहूर कॉमेडियन तो दूर, बल्कि एक आम आदमी को भी बड़े से बड़े दिग्गज नेता के सामने भी अपना दमखम आजमाने का हक देती है। तभी तो श्याम रंगीला ने देश की सबसे हॉट सीटों में से एक वाराणसी की राजनीतिक पिच पर अपनी किस्मत आजमाने का जोखिम उठा लिया। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय कॉमेडियन श्याम रंगीला ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह बताई है, जिसमें वे लोकतंत्र को बचाने की बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से सहयोग देने की भी मांग की है। अब जब श्याम रंगीला की चुनावी राजनीति में एंट्री होने जा रही है, तो उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। वैसे तो श्याम रंगीला को अधिकतर लोग पीएम मोदी जैसी आवाज में बात करने के लिए पहचानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो उनकी असल जिंदगी से परिचित होंगे। मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मानक थेरी गांव के रहने वाले श्याम रंगीला का असली नाम श्याम सुंदर है। 25 अगस्त 1994 में जन्मे श्याम रंगीला स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे और लोगों की मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है। इसी काबिलियत की वजह से श्याम रंगीला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुंचे और इसी शो से वो देश के घर घर में पहचाने गए। टीवी के बाद श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी और मिमिक्री जारी रखी। खासकर पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला खूब मशहूर हुए। वैसे तो श्याम रंगीला का साल 2022 में ही आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल डेब्यू हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने की बात कहकर पार्टी से किनारा कर लिया। लोगों को हंसाने वाले श्याम रंगीला का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। पीएम मोदी की मिमिक्री ने एक तरफ जहां उन्हें फेम दिया, तो इसी मिमिक्री के चलते श्याम रंगीला कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। साल 2021 में श्याम रंगीला ने एक पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें श्याम रंगीला ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज कसा था, लेकिन यही वीडियो उनके लिए मुसीबत बन गई थी। यही नहीं, जब पीएम मोदी जंगल सफारी पर गए थे, इसके बाद श्याम रंगीला ने भी जयपुर के जंगल में पीएम मोदी की नकल करते हुए एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की नकल करते हुए एक नील गाय को चारा खिलाया, जो कि रिजर्व के नियमों के खिलाफ था। बाद में इस मामले पर भी खूब विवाद हुआ था और आखिरकार श्याम रंगीला को माफी मांगनी पड़ गई थी। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी के खिलाफ श्याम रंगीला के अनेकों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन खास बात यह है कि कभी श्याम रंगीला भी पीएम मोदी के फैन हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद बताई है। बिल्कुल, ये जो है बहुत बढ़िया सोशल मीडिया और बहुत बढ़िया देश के अंदर चल रहा है सिस्टम कि लोग इतने सोशल मीडिया पे तो जागरूक हैं कि चलो एक ट्वीट किया और हमने दावेदारी के लिए हमने कहा कि हम आएंगे और इतना प्यार इतना सहयोग लोगों से मिला कि हमारा और ज़्यादा उत्साह प्रबल हो गया एकदम। तो अब तो जा कर के बिल्कुल तैयारी पूरी है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो हम जा कर के एकदम चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। किससे प्रेरित हुए हैं पंजाब में, क्योंकि अभी आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, हालांकि गठबंधन है क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। निर्दलीय लड़ रहा हूं बिल्कुल। तो किसने प्रेरित किया आपको? भगवंत मान जैसा व्यक्ति जो कि लगभग आपकी ही बिरादरी से थे, कॉमेडियन थे, आप एक अलग तरह की कॉमेडियन करते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, तो क्या वो सीएम बन गए, ये प्रेरित कर गया आपको या कुछ और? सर, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद कोई सीएम ना कोई पीएम बन रहा हूँ, ना मैं कोई पार्टी से लड़ रहा हूँ, ना मेरी कोई अपनी पार्टी मैंने बनाई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ सपने देख रहा हूँ। सपने मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो कॉमेडी का है, और बंदा कहीं भी कैसे भी कोई काम कर ले, कॉमेडी कभी नहीं छोड़ सकता। और मैंने तो पहली लाइन यही की थी जब भी मैं इसमें आया था, मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, राजनीति में मुझे लाया गया है। श्याम रंगीला का बनारस से क्या ताल्लुकात है, किस तरह का कनेक्शन है, क्योंकि आप लोगों के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, तो वो वोट श्याम रंगीला को क्यों दें, क्या कनेक्शन है आपका? कनेक्शन सर मेरा कुछ भी नहीं है। वो मेरे देश की एक पावन धरती है, और जहाँ पे मोदी जी गए थे 2014 में, और बनारस के लोग इतने प्यारे हैं कि वो ये फ़र्क नहीं करते हैं कि ये बाहर का है कि यहाँ का है कहाँ का है।
वो बनारस के लोग इतना प्यार देते हैं जैसे और किसी को दिया ही है उन्होंने। तो बनारस से मेरा लिंक पहले का, आप जैसे मोदी जी के अंदाज में मैं कहूँ तो यही लिंक है कि भाइयों बहनों बनारस से तो मेरा पुराना नाता रहा है। मैं बचपन में खाई के पान बनारस वाला जब गाना सुनता था तो मैं भावुक हो जाया करता था। मुझे लगता था कि कभी बनारस जाऊं और वो पान खा लूं, और आज मुझे वो मौका मिल रहा है। तो मैं निकालने को तो बहुत सारे नाते रिश्ते निकाल लूंगा, लेकिन ओरिजिनली मैं बनारस पहली बार जाऊंगा और लोगों का इतना प्यार वहां से मिल रहा है कि लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं तो मोदी जी से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हूं, और मैं तो आज भी अगर मेरे सामने आए तो मैं उनके पैर छू करके आशीर्वाद लूंगा मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, मोदी जी से बहुत लोग प्रेरित हैं और मैं शुरुआत से उन्हीं की आवाज़ निकाल के फेमस हुआ हूँ। आपके लिए तो मतलब हाँ। एक तरीके से आपका करियर जो है हाँ। उसको सही दिशा या जो एक कहते हैं कि ख्याति जो आपको दिलाई वो तो मोदी जी ने दिलाई। बिल्कुल वही दिलाई, और मोदी जी ने भी बचपन में चाय बेची, और मैं भी आज देखो हमने भी एक छोटा सा कैफे जयपुर में कर रखा है, ये तो यहाँ भी चाय बेचते हैं। मैं तो मतलब मैं ही मान लो आप मैं ही चाय बेच रहा हूँ, हालांकि बनानी मुझे नहीं आती, मैं चाय बनानी सीख रहा हूँ, मोदी जी जैसी नहीं आती। अगर बनाने आ भी जाएगी तो मोदी जी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनाते थे। उसमें तो जाके चाय भी पिलानी पड़ेगी, पान भी खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करेंगे वो लोग, सब सीख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी तो बातें करते हैं, हम सीखेंगे सब। सोशल मीडिया पर श्याम रंगिया के लाखों फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर कॉमेडियन को 8 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो वहीं एक्स पर 2.5 लाख, इंस्टाग्राम पर 2 लाख और यूट्यूब पर रंगीला के 9,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ये तो बात रही श्याम रंगीला की, जो इस बार निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पीएम मोदी को चुनौती देने का दम भर रहे हैं। वहीं वाराणसी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी राउंड में वोट डाले जाने हैं। बीजेपी की तरफ से उनके स्टार प्रचारक और सबसे बड़ा चेहरा खुद पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में है। पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा है। मायावती की पार्टी बसपा की तरफ से सैयद नियाज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में कॉमेडियन श्याम रंगीला अपना चुनावी डेब्यू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम खबरों के लिए